जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिजाब को लेकर देश में और दुनिया में जो बवाल मचा था, इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर विवाद मचा हुआ था। हिजाब क्यों जरूरी है, हिजाब पहनना क्या जरूरी है सभी छात्रों के लिए? तो आपको बता दें, कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी फरवरी के महीने पर, जब विवाद मचा था, जब देश के सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई हुई थी और आज भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है। बता दें आपको, हिजाब को लेकर एक मामला सामने आया था फरवरी के महीने पर। एक छात्रा जो स्कूटी पर अपने कॉलेज पर जाती है और उसके बाद ही भगवाधारी छात्र उनको छात्र को घेर लेती है, उसके बाद ही ये विवाद मच जाता है, जिसके बाद सिर्फ ही हिंदुस्तान में नहीं, पूरे जितने भी मुस्लिम कंट्री है सभी में विवाद मच गया था हिजाब को लेकर। मुसलमानों ने तो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट पर कई याचिका भी दायर की गई और उन्होंने ये भी कहा था कि हम हिजाब पहनेंगे, हिजाब हमारा रक्षा करेगा। और इसी दौरान आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एक सख्त टिप्पणी आई थी। सुप्रीम कोर्ट में कुछ मुसलमानों ने याचिका दायर की थी और उसी याचिका में ये दायर किया गया था कि जब हिंदू पक्ष रुद्राक्ष पहन सकते हैं, जब क्रिश्चियनिटी में क्रॉस पहन सकते हैं, तो मुसलमान आखिर क्यों हिजाब नहीं पहने? मुसलमान को भी हिजाब पहनने का अधिकार है। तो आपको बता दें कि रुद्राक्ष, क्रॉस, हिजाब के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। रुद्राक्ष जो है वो हिंदू धर्म का प्रतीक है, भगवान शिव का अंश माना जाता है रुद्राक्ष को, जो कि गले में पहना जाता है, जो कि कपड़े के अंदर ढका रहता है। वही हम बात करते हैं क्रॉस की, तो क्रॉस है क्रिश्चियनिटी का एक प्रतीक, जिसे भी गले में धारण किया जाता है, जो एक लॉकेट होता है उसे गले में धारण किया जाता है, तो उसे कपड़े के अंदर ही ढका रहता है, तो उसे भी कोई नहीं देख सकता। लेकिन हिजाब की अगर बात करें तो हिजाब एक वैसा कपड़ा है जिसे आप सभी देख सकते हैं। तो हिजाब को लेकर यह सख्त टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है और बता दें कि अगली सुनवाई गुरुवार को होगी हिजाब को लेकर। कर्नाटक में हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है और इसी दौरान हम आपको सबसे पहले वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो फरवरी के महीने पे काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वो मुस्लिम लड़की जिन्होंने जोरों शोरों से अल्लाह हू अकबर का नारा लगाया था, ये एक बार देखते हैं। फरवरी महीने का वीडियो है जिस लड़की के वजह से पूरी देश और दुनिया में हिजाब को लेकर हंगामा मच गया था, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई लगातार होती रही। और एक बात हम आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब को बैन किया गया था। बता दें कि कर्नाटक में इस याचिका दायर के बाद ही कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों से हिजाब को बैन कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी मुस्लिम छात्रों ने हिजाब को लेकर याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट पर और आज उसे लेकर एक खास टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। बता दें कि अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। रुद्राक्ष हिंदू धर्म का प्रतीक है। कुछ मुसलमानों ने यह सवाल उठाया था कि जब हिंदू चुनरी लगा सकते हैं, हिंदू चुनरी माथे पर ओढ़ सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं, गले पर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, तो मुसलमानों को आखिर हिजाब पहनने से क्यों रोका जा रहा है? क्या मुसलमानों का अधिकार नहीं है हिजाब पहनने का? तो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया है, आइए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी दी है कि रुद्राक्ष और क्रॉस को हिजाब के साथ कंपेयर ना किया जाए। रुद्राक्ष हिंदू धर्म का प्रतीक है तो वही क्रॉस क्रिश्चियनिटी का प्रतीक है, इसीलिए इसके साथ हिजाब की तुलना नहीं हो सकती।